नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ एंड टिप्स। मलेशिया की सत्ता से बोरिया बिस्तर लेकर खुदा गंज के मुहाने पर खड़े महातिर मोहम्मद की देर से ही सही पर कल ठिकाने लग गई है। यानी महातिर मोहम्मद द्वारा व्योन के सामने की गई स्वीकृति ऐसे व्यक्ति की भांति है जो अंतिम यात्रा पर निकलते वक्त झूठ नहीं बोलता है। मलेशिया का यह पूर्व पीएम स्वीकार कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से उलझना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। केवल इतना ही नहीं, महातिर मोहम्मद ने नरेंद्र मोदी को विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेता होने के साथ बीजिंग के खिलाफ भारत को अपना समर्थन भी दिया है। व्योन टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में महातिर ने मोदी का जमकर गुणगान किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने माना कि मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक ताकत बनकर उभर रहा है और मोदी एक ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। महातिर के इस इकरारनामे से पाकिस्तान को मिर्च जरूर लगी होगी, क्योंकि महातिर का फायदा उठाने के लिए पाक के पीएम इमरान ने इस बुढ़ऊ पीएम को जमकर बेवकूफ बनाया था। इतना कि एक वक्त महातिर कश्मीर पर वही बोलने लगे थे जो पाकिस्तान चाहता था, मगर बाद में महातिर की सत्ता से बेदखली हुई तो पाकिस्तान ने उन्हें एक बार भी फोन तक नहीं किया। आज हालत यह है कि महातिर की पार्टी नजीब की पार्टी के साथ मिलकर मलेशिया की सत्ता में मौजूद है, पर महातिर की यहां कोई वैल्यू नहीं रही है। महातिर को भारत से रिश्ते खराब होने को लेकर अपनी भूमिका पर दुख है। उन्होंने कहा कि भारत एक ताकतवर देश है जबकि मलेशिया कमजोर मुल्क है। मलेशिया भारत से टकराने की सोच भी नहीं सकता है। भारत द्वारा मलेशियाई पाम ऑयल बैन करने से देश को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। महातिर ने स्वीकारा है कि आज कश्मीर आजाद है, वह भारत के साथ है, पर उस वक्त जो हालात थे उनमें कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति थी। यानी 94 साल का बुढ़ऊ पूर्व पीएम जो पिछले साल तक पाकिस्तानी मोम के पंख लगाकर सूरज को पकड़ने चला था, आज धरातल पर आ गया है। स्थिति यह है कि सपनों में भी मोदी की बिना लाठी वाली मार याद आ रही है। पाकिस्तान तो अपना काम निकालकर चलता बना, पर भुगतना महातिर मोहम्मद को पड़ा है। महातिर भूल गए हैं कि पाकिस्तान में ऐसे मुल्ला रहते हैं जो खुद उस धरती के नहीं हुए, जहाँ इनके बाप दादा तेल के पीपे ढोते ढोते मर गए। ऐसे में महातिर को दगाबाजी का जो कसेला फल हासिल हुआ है वह शायद इतनी आसानी से नहीं भुलाया जा सकेगा। गौरतलब है कि महातिर मोहम्मद ने 24 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 1 मार्च 2020 को मलेशिया के गृह मामलों के पूर्व मंत्री मयुदीन यासीन ने 8वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। महातिर साल 2018 में हुए आम चुनाव के बाद से पद पर थे। महातिर के इस्तीफा देने के बाद मलेशिया की राजनीति में आरोप लगे थे कि इस सत्ता परिवर्तन में भारत की बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि मयुदीन यासीन महातिर मोहम्मद की पार्टी के नेता है और उन्होंने विपक्षी नेता नजीब की पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। यानी महातिर को सत्ता से बाहर करने का रास्ता दिखाने के लिए यहां बहुत बड़ा उलटफेर हुआ था। महातिर की पार्टी फिर से सत्ता में आई है, मगर उसमें महातिर की कोई वैल्यू नहीं है। बड़ी बात यह है कि यासीन के मलेशिया का प्रधानमंत्री बनते ही भारत के साथ उसके रिश्ते बेहतर होते चले गए। पाकिस्तान जिस तुर्की और मलेशिया के भरोसे हवा में उड़ा था, उसमें एक पंख उतर दिया गया। यासीन ने पाकिस्तान की अहमियत पूरी तरह खत्म कर दी, जबकि भारत के किसी भी मामले में उन्होंने कान तक नहीं फड़फड़ाया है। दरअसल यासीन अपने पूर्ववर्ती महातिर मोहम्मद का असर देख चुके थे। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि महातिर ने भारत जैसे ताकतवर देश के साथ उलझकर बहुत बड़ी राजनीतिक भूल कर दी है। यासीन ने मोदी के साथ कई बार टेलीफोनिक वार्ता की है और भारत के साथ रिश्ते सामान्य करने के प्रयास जारी रखे हुए हैं, परंतु इसमें अभी भी एक पेच फंसा हुआ है। उसने भारत के भगोड़े मुस्लिम आतंकी जाकिर नाइक को मलेशिया में शरण दे रखी है, जिसके प्रत्यर्पण के लिए भारत निरंतर यासीन सरकार पर दबाव बना रहा है। मजे की बात यह है कि महातिर ने जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण भी अपना रुख नरम कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वे जाकिर नाइक को अपने देश से निकालना चाहते हैं, पर दिक्कत यह है कि उसे कोई भी मुस्लिम देश स्वीकार करने को राजी नहीं है। उनकी सरकार की मोदी सरकार से इस मुद्दे पर लगातार बातचीत चल रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यासीन सरकार जल्दी ही जाकिर नाइक का कोई ना कोई इलाज कर देगी, पर सवाल यही है कि जब गधा लगड़ा हो चुका होता है फिर उसकी गणना इस बात में नहीं होती है कि वह कितना बोझा उठा सकता है। महातिर ने सीधे सीधे मोदी को ललकारा था, यह जानते हुए कि इस छोटे से द्वीप देश की भारत के सामने कोई अहमियत नहीं है, मगर तब महातिर को लगा था कि मोदी से पंगा लेकर वह भी बड़े नेता बन जाएंगे। जानकर हैरानी नहीं होगी कि उन्होंने इस महत्वाकांक्षा के चलते पिछले साल डोनाल्ड ट्रम्प से मिलने से इंकार कर दिया था। यानी महातिर बड़ा मुल्ला साबित करने के लिए खुद को बड़ी तोप समझने लगे थे। वे केवल भारत की निगाहों में नहीं चुभ रहे थे, बल्कि ट्रम्प भी उनसे खार खाए बैठे थे। मतलब जिस छोटे से देश का नाम भी कोई ढंग से नहीं जानता है, वहां महातिर ने खुद को लाइमलाइट करने के लिए उल्टे सीधे ड्रामे किए, पर वे इन ड्रामों को 1.5 साल से भी ज्यादा नहीं चला सके। उससे पहले ही उनका बिस्तरा मलेशिया की सत्ता से उठकर कुआलालंपुर के चौराहे पर आ गया। महातिर फिर से मुगलों वाली नीति अपना रहे हैं, यानी मीठी मीठी बातें करके और मोदी का महिमा मंडन करके फिर से सत्ता वापसी के ख्वाब देख रहे हैं। पर यह घटिया मदरसा नीति आधुनिक विश्व का हिस्सा नहीं है। दुनिया ऐसी नीतियों से पूरी तरह आजीज आ चुकी है। ऐसी चालबाजियां केवल मदरसे की चार दीवारी के भीतर ही चल सकती है। महातिर एक वक्त ताल ठोक कर भारत को हेकड़ी दिखाने में सबसे आगे थे। आज उनका तो क्या, मलेशिया का भी कोई नाम लेवा नहीं है। जिन पाकिस्तानी मुल्लाओं के सामने महातिर ने तहमदों का विशेषज्ञ बनने की ठानी थी, उनसे मिला विश्वासघात भी महातिर को कचोट रहा है। अगर उन्होंने चीन भारत के तनाव में भारत को अपना समर्थन दिया है तो उसका भी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मलेशिया के कुकुर भी आजकल उनके दरवाजे के सामने से भौंककर गुजरते हैं। वैसे भी भारत को इस नालायक मुल्ला के समर्थन की जरूरत नहीं है। महातिर को यह भी याद रखना चाहिए कि उनके कार्यकाल में मलेशिया भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बन गया था, मगर पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सीट के लिए यासीन सरकार ने भारत का समर्थन किया है। महातिर मोहम्मद होता तो शायद यह नामुमकिन था, पर कहानी यही खत्म नहीं होती है। मोदी सरकार भारत के खिलाफ आवाज उठाने वालों को लाठी से नहीं, कूटनीति से मारती है, जिसके लिए सामदाम दंड भेद की रणनीति का पालन किया जाता है। अभी महातिर जैसे कई और दुनिया में मौजूद है, जिनमें पाकिस्तान, नेपाल, तुर्की और चीन भी सूची में शामिल है। नेपाल के पीएम के शर्मा पी ओली ने भी महातिर वाली हरकतें की हैं। उनकी उल्टी गिनती भी इस वक्त चालू हो चुकी है। तुर्की में भी एर्दोगन के खिलाफ बिगुल की तैयारियां चल रही हैं, जबकि पाकिस्तान के पीएम का टोकरा वहां की सेना ही उठाए घूमती रहती है, जो जब चाहे जहां पर पटक देती है। अब ओली जैसे नेताओं को अभी भी अपने पद का गुमान हो रहा है तो उन्हें व्योम चैनल पर दिए गए महातिर मोहम्मद का इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए, क्योंकि महातिर ने ओली जैसे नेताओं को मोदी से पंगा नहीं लेने का बड़ा संदेश दिया है। समझ गए तो अच्छा, नहीं समझे तो महातिर वाली हालत में जाने के लिए तैयार रहे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।